दोस्तों हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू जब आपको रिस्पांस नहीं आता बिडिंग में स्पेशली जब आप बिगनर होते हैं आप कोशिश कर रहे होते हैं अटेम्प्ट कर रहे होते हैं एफर्ट्स लगा रहे होते हैं और आपको जवाब नहीं आता यहां पे बड़ा जरूरी है याद है वो मक्खी वाली एग्जांपल याद है कैरली वाली एग्जाम्पल अनऑर्थोडॉक्सों के सोचिए आउट ऑफ बॉक्स सोचिए कुछ ऐसा ऑफर कीजिए अपने एम्प्लॉयर को जो उसके Uh, उसके लिए इजिस्टेबल हो जाए कोई हर्ज नहीं है हमने बारह बात की मैजिक ट्रिक अपर स्लीव्स की हमने बारह बात की सवालात पूछने की अहमियत क्या होती है हमने बारह बात की फ्री मॉकअप सो so एंड सो so फोर्थ सैंपलिंग के हिसाब से यह भी बहुत जरूरी है कि प्राइस को भी फैक्टर इन रखा जाए यह जहन में रखिएगा एज अ बिगनर कहीं आप अपने आप को बिग स्टार तो नहीं समझ रहे और देर फोर आप प्राइस भी बिग चार्ज कर रहे हैं एज अ बिगनर फ्रीलांसिंग का एक और नाम है और वो नाम है कॉम्प्रोमाइज करने का नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यू प्रोपोजिशन अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बट कॉम्प्रोमाइज करना है प्राइस पे बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग यूर टाइम टूवर्ड्स अ गोल कि आप एक फ्यूचर को फोर्स ही कर रहे हो कि जनाब फ्यूचर में मैं अपने तमाम सेक्रीफाइसेस का बदला ले लूंगा मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया और हंसा भी बदला ले लूंगा बिकॉज बदले तो दो तीन तीन तरीकों से लिए जा सकते हैं मैं तमाम का तमाम काम फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर लेके आता हूं कट डिडक्शन जो इनवाइस में रेज करता हूं उस पर डिडक्शन है हालांकि मैं अगर डायरेक्ट पैसे लूँ वायर ट्रांसफर कराऊं तो वो डिडक्शन नहीं है बदला लेता हूं मैं कि एक वक्त आएगा कि मेरी प्रोफाइल इतनी बड़ी हो जाएगी कि मुझे एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा कि मेरे तमाम डिडक्शन बेमायनी हो जाएंगे उस प्रोजेक्ट वैल्यू के आगे और मैंने तीस तीस हजार डॉलर का प्रोजेक्ट भी किया हुआ है और माशाल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है तो आपको शुरू में एज अ फ्रीलांसर एट द बिगनिंग ऑफ योर करियर ये जहन में रखना है कि कहीं आप अपने आप को बड़ा स्टार तो नहीं प्रोजेक्ट कर आप अपनी प्राइस लो कीजिए आप यू uh, नो you know, एक अमेजिंग ऑफर ये होती है कि आप जब बिड कर रहे हो तो आप बिड में क्लाइंट को कहें कि वैसे मेरा चार्ज इस पर्टिकुलर टास्क और असाइनमेंट के लिए सौ डॉलर है बट चूंकि मैं अभी अपकमिंग टैलेंट हूँ मैं आपको ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं आपको क्वालिटी वर्क दूंगा बट एट हाफ ऑफ द प्राइस कोई खर्च नहीं है दोस्तों थोड़ा सा काम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो पैसे थोड़े कम चार्ज कर लो ये आपका पोर्टफोलियो बनाएगा इस काम को ख़त्म करने के बाद आपको फीडबैक मिलेगी आपकी प्रोफाइल के आगे फिनिश प्रोजेक्ट्स की एक क्वांटिटी नज़र आएगी और आपको ही फ़ायदा होगा अभी आपको शायद मुश्किल लगे कि यार इसका काम के तो पैसे ज़्यादा थे मैं कम चार्ज क्यों करूं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए उस वक्त जब आपको जवाब ना आ रहा हो ये कार्रवाई करना ज़रूरी है अब कार्रवाई का भी वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया और मैं हंसा भी इसलिए कि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शुरू में जवाब नहीं आएगा क्योंकि फ्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फ्री तो नाम ही इंस्टेंट टाइम रेस अगेंस्ट द टाइम इन वर्ड्स का है टाइम बहुत मैटर करता है इंस्टेंट यानी कि क्विक होना चाहिए रेस अगेंस्ट द टाइम कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट है यहाँ पे तो आ, बहुत ज़रूरी है आपका एज अ फ्री टाइम की एसेंस को समझना अपने फ्यूचर को देखना अगर आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड हैं तो ये छोटा मोटा प्राइस का रिडक्शन इेलीवेंट है